और इस बीच रुक करेंगे जांजगीर चांपा का, बड़ी खबर यहां से सामने आ रही है। दुष्कर्म के आरोपी एएसआई बलवंत पर एफआईआर दर्ज कर ली गई। अकलतारा पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर के बाद आरोपी एएसआई फरार है। पकड़ने पुलिस ने कई जगह दबिश दी और एएसआई की अभी सिटी कोतवाली जांजगीर में पोस्टिंग है। गिरौदपुरी में महिला से एएसआई ने शादी की थी। अकलतरा के अपने घर में महिला को 5 से 6 महीने रखा, फिर महिला को मारपीट कर भगा दिया था। पीड़ित महिला ने अकलतरा थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई थी। तो देखिए बड़ी खबर है, दुष्कर्म का आरोपी एएसआई फरार बताया जा रहा है। पुलिस जांच में जुटी हुई है, पुलिस तलाश कर रही है आरोपी की। एक महिला से इस आरोपी ने शादी की थी और उसके बाद 5 से 6 महीने तक महिला को अपने घर में रखा था अकलतरा में, जिसके बाद महिला के साथ फिर मारपीट करने लगा आरोपी और उसके बाद महिला को घर से भगा दिया। पीड़ित ने अकलतरा थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई थी। प्रकाश साहू फोन लाइन पर जुड़ चुके। प्रकाश, पूरे मामले में क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल, देखिए रसिका, जांजगीर के सिटी कोतवाली थाना में पदस्थ एएसआई बलवंत रितलहले के खिलाफ महिला ने अकलतरा थाना में दुष्कर्म का एक मामला दर्ज कराया है, जिसमें महिला का आरोप है कि 5-6 महीने से उसे घर में रखा गया था और उसके साथ दुष्कर्म किया गया है। वहीं महिला जो है 2 बार गर्भवती हुई तो दोनों बार गर्भपात कराया गया है। इधर एफआईआर के बाद जो है एएसआई बलवंत रितलहले फरार हो गया है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी घटना है और अकलतरा पुलिस ने इस मामले में अब कई जगह पर दबिश दी है, लेकिन अब तक जो है एएसआई की जो है गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। और एफआईआर के बाद सवाल भी उठ रहे हैं कि एक पुलिसकर्मी जनता की सेवा के लिए नियुक्त किया जाता है, लेकिन पुलिसकर्मी ही इस तरह की घटना को अंजाम देने लगे तो जनता किस पर भरोसा करेगी? अब फिलहाल देखने वाली बात होगी रसिका की जो है पुलिस के लंबे हाथ एएसआई बलवंत रितलहले पर कब तक पहुंचती है और कब तक जो है एएसआई बलवंत रितलहले की गिरफ्तारी की जाती है। जी रसिका, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया प्रकाश साहब।